Hello guys, this is Chetan Varma and you are watching my YouTube channel CSP Institute. So, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और वीडियो जो कि है ओवरव्यू ऑफ डेटा क्लीनिंग. सो डेटा क्लीनिंग क्या होता है उसका ओवरव्यू हम लोग देखेंगे. लास्ट वीडियो में हमने देखा कि जनरेट टेस्ट डेटा सेट्स फॉर मशीन लर्निंग और उससे पहले हमने देखा अंडरस्टैंडिंग डेटा प्रोसेसिंग. सो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि डेटा क्लीनिंग असल में क्या है. सो डेटा क्लीनिंग इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ मशीन लर्निंग प्लेज अ सिग्निफिकेंट पार्ट इन बिल्डिंग अ मॉडल. श्योरली इज नॉट द फैंसीएस्ट पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग. एट द सेम टाइम देयर आर नॉट एनी हिडन ट्रिक्स और सीक्रेट्स टू अनकवर. हाउएवर सक्सेस और फेलियर ऑफ द प्रोजेक्ट रिलाइज ऑन द प्रॉपर डेटा क्लीनिंग. प्रोफेशनल डेटा साइंटिस्ट यूजअली इन्वेस्ट अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ देयर टाइम इन दिस स्टेप बिकॉज ऑफ बिलीव दैट बेटर डेटा बीट्स फैंसियर एल्गोरिथम्स. ये एकदम सही बात है कि जो डेटा क्लीनिंग है वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, क्योंकि ये जो लास्ट वाली बात यहाँ पर कही है कि बेटर डेटा बीट्स फैंसियर एल्गोरिथम्स, ये बात पूर्ण तय सत्य है. क्योंकि जितना ज़्यादा आपका डेटा अच्छा होगा उतनी ही जो एल्गोरिदम है वो आपकी सिंपल एंड सटाक होगी. ठीक है, फिर है इफ वी हैव अ वेल क्लीन डेटा सेट देर आर चांसेस दैट वी कैन गेट अचीव गुड रिजल्ट्स विद सिंपल एल्गोरिदम्स ऑल्सो विच कैन प्रूव वेरी बेनिफिशियल एट टाइम्स स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशन वेन द डेटा सेट साइज इज लार्ज. ऑब्वियसली डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा विल रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लीनिंग. हाउएवर दिस सिस्टमेटिक अप्रोच कैन ऑलवेज सर्व एज एज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टेप्स इन्वॉल्व इन डेटा क्लीनिंग. डेटा क्लीनिंग एज अ क्रूशियल स्टेप इन द मशीन लर्निंग पाइपलाइन एज इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड रिमूविंग एनी मिसिंग डुप्लीकेट और इररेलीवेंट डेटा. तो कह रहा है कि जो मशीन डेटा क्लीनिंग है वो एक क्रूशियल स्टेप है मशीन लर्निंग पाइपलाइन के अंदर, क्योंकि ये इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफाइंग और रिमूविंग एनी मिसिंग डुप्लीकेट और इररेलीवेंट डेटा को. फिर है द गोल ऑफ डेटा क्लीनिंग इज टू इंश्योर दैट द डेटा इज एक्यूरेट. पहली बात कंसिस्टेंट, दूसरी बात एंड फ्री फ्रॉम एरर, फ्री ऑफ एरर्स. ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है. एज इनकरेक्ट और इनकंसिस्टेंट डेटा कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ML मॉडल. ओके, डेटा क्लीनिंग ऑल्सो नोन एज डेटा क्लिनसिंग और डेटा प्री प्रोसेसिंग इज अ क्रूशियल स्टेप इन डेटा साइंस पाइपलाइन दैट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड करेक्टिंग और रिमूविंग एरर्स इनकंसिस्टेंसीज एंड इनएक्यूरेसीज इन डेटा टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी एंड यूजबिलिटी. डेटा क्लीनिंग इज इसेंशियल बिकॉज रो डेटा इज ऑफन नॉइजी इनकम्प्लीट एंड इनकंसिस्टेंट विच कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इनसाइट्स डिराइव फ्रॉम इट. ओके, सो देन फॉलोइंग आर द स्टेप इन्वॉल्व कॉमन स्टेप्स इन्वॉल्व इन डेटा क्लीनिंग. फर्स्ट इज रिमूवल ऑफ अनवॉन्टेड ऑब्जर्वेशंस, देन फिक्सिंग स्ट्रक्चरल एरर्स, देन मैनेजिंग अनवॉन्टेड आउटलायर्स, देन हैंडलिंग मिसिंग डेटा. सो सबसे पहले जो अनवांटेड ऑब्जर्वेशंस है उनको हम रिमूव करेंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं है उसके अंदर. फिर हम फिक्स करेंगे जितने भी स्ट्रक्चरल एरर्स हैं उनको. फिर अनवांटेड जो आउटलायर्स है उनको हम डील करेंगे, ठीक है, क्योंकि आउटलायर्स की भी ज़रूरत नहीं है हमें. फिर हैंडलिंग मिसिंग डेटा, जो मिसिंग डेटा है उसके साथ में भी उसको भी अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे, ठीक है. आउटलायर एक्चुअली उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है. आउटलायर्स को बताऊंगा किस तरीके से करते हैं. सो तीन तरीके से हम ये करते हैं. सबसे पहले हम करते हैं इंपोर्ट नेसेसरी लाइब्रेरीज, लोड करते हैं डेटा सेट्स को, चेक करते हैं डेटा इंफॉर्मेशन यूजिंग df.info. मान लीजिए हमारे पास में एक train.csv करके फाइल है, उसको हमने पांडास और नम पाई की मदद से हमने डेटा रीड किया. सबसे पहले तो पांडास की मदद से रीड सी एस वी करके उसको डेटा फ्रेम में डाल दिया और उसको उसके जो हेड्स है उनको प्रिंट करवा दिया मैंने, ठीक है. सो ये एक प्रोग्राम हो गया जिसका आउटपुट ये है. आप ये करके देखिए तब आपको मज़ा आएगा ये सब, ठीक है.
सो अगर ये डी एफ डॉट हेड ऐसे नहीं आए तो इसको प्रिंट करवा देना, इसको पूरे को प्रिंट वाले पार्ट में रख देना, ठीक है। फिर फर्स्ट डेटा इंस्पेक्शन एंड एक्सप्लोरेशन। डेटा इंस्पेक्शन में क्या करते हैं कि दिस स्टेप इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग द डेटा बाय इंस्पेक्टिंग इट्स स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिफाइंग मिसिंग वैल्यूज, आउटलायर्स एंड इनकंसिस्टेंसीज। तो ये सब हम इस स्टेप के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले हम डुप्लीकेट रोज को चेक करते हैं, तो हम क्या करेंगे, डी एफ डॉट डुप्लीकेट, डुप्लीकेटेड, तो जितने भी डुप्लीकेटेड हैं उसकी लेंथ और उसके साथ में फॉल्स वैल्यूज आ जाएगी। तो ये दिखा रहा है कि चेक द डेटा इंफॉर्मेशन यूजिंग डी एफ डॉट इन्फो। इसकी मदद से हम उसको डेटा को चेक कर सकते हैं कि भैया उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि इतने सारे कॉलम्स हैं डेटा के, क्योंकि ये कॉलम्स अलग अलग वेरिएबल लिए हुए हैं, उनको उनके अंदर जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं वो जीरो से लेकर एंट्रीज हैं, जीरो से लेकर 890 तक हैं, मतलब टोटल एंट्रीज है 891, सारी है नॉन नल, ठीक है। और उनका डेटा टाइप किसी का इंट 64 है, किसी का ऑब्जेक्ट है, किसी का फ्लोट है, ठीक है, इस तरीके से डेटा टाइप है उसका। फ्रॉम द अबोव डेटा इन्फो वी कैन सी दैट एज एंड कैबिन हैव द अनइक्वल नंबर ऑफ काउंट्स एंड सम ऑफ द कॉलम्स आर कैटेगोरिकल। यहाँ पर एज देखिए और यहाँ पर दूसरा है कैबिन, एज एंड कैबिन उसके अंदर अनइक्वल है, बाकी सबके अंदर तो 891 है, तो मतलब डेटा मिसिंग है यहाँ पर, ठीक है। एंड सम ऑफ द कॉलम्स आर कैटेगोरिकल एंड हैव डेटा टाइप ऑब्जेक्ट्स एंड सम आर इंटीजर्स एंड फ्लोट्स वैल्यूज। सो लेट्स सी द डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटा यूजिंग डी एफ डॉट डिस्क्राइब। सो ये जो है वो डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन देता है, डी एफ वन डॉट डिस्क्राइब करके अगर हम लिखेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन देगा कि जो पैसेंजर आईडी है टोटल है इतनी, उसका मीन है ये, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है ये, उसका मिनिमम ये है, ठीक है, मतलब सबसे कम वैल्यू वन से है, फिर उसका जो 25% है वो ये है, उसका 50% ये है, उसका 75% ये है, उसका मैक्सिमम वैल्यू ये है, ऐसे ही मतलब सबके बारे में है, एज के बारे में भी यही चीज़ें हैं और मतलब फेयर के बारे में है। तो ये चीज़ें एक इंफॉर्मेशन देती है, और किसी में ना हो यहाँ पर एज में अपनों को मिल जाएगा कि कितनी एज 714 है, उसका मीन कितना है, मतलब अधिकतर लोग 30 के आसपास के हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन 14, फिर मिनिमम जो है वो 0.42 हो गया, और उसका 25%, 28%, 75%, मैक्सिमम एज जो है वो किसी के 80 भी है, ठीक है। तो इस तरीके से फिर अगला है चेक द कैटेगोरिकल एंड न्यूमेरिकल कॉलम। कैटेगोरिकल एंड न्यूमेरिकल कॉलम्स को हम चेक करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, देखिए ये हम ये एक पाइथन के अंदर वो है कि हम फोर लूप लगाकर एक पूरी की पूरी लिस्ट बना सकते हैं पाइथन के अंदर। तो कैसे बनाते हैं कि फोर कॉलम इन डी एफ डॉट कॉलम्स, जितने भी कॉलम्स हैं, अगर तुम्हारा कॉलम है वो उसका डेटा टाइप अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको इसके अंदर इंक्लूड कर लो, कर ले गए जितने भी कॉलम्स हैं, एक एक कॉलम को लेगा, उसका अगर इसके अंदर इंक्लूड है तो इसके अंदर डालता रहेगा, ठीक है, तो कैटेगोरिकल कॉलम होगी। समझिए क्या बोला, कॉलम फॉर कॉलम इन कोई भी लिस्ट, लिस्ट लिख देता हूं मैं, ठीक है, और फिर आगे मैंने कंडीशन लगा दी कि इफ जो कॉलम का जो डेटा टाइप है डॉट डेटा टाइप, ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्ट है या फिर डेटा टाइप ऑफ कुछ भी, ये एक फंक्शन है जो कि हम यूज करते हैं डी एफ कॉल, तो डी एफ हो गया आपका वो वेरिएबल, वो एक तरीके से ऑब्जेक्ट है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म ऑफ डेटा फ्रेम है बेसिकली, यहाँ पर तो एक वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन इसको डेटा फ्रेम बोलते हैं। तो इसका डेटा टाइप क्या है, अगर वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर इसका डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है तो वो किसके अंदर ऐड हो जाएगा, इस कॉलम के अंदर ऐड हो जाएगा, और वो कॉलम के अंदर ऐड होकर उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर आ जाएगा, अपेंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम दो तरीके से कर सकते हैं ये काम, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं और फोर लूप, बकायदा फोर लूप लगाकर उसके अंदर अपेंड भी करवा सकते हैं। तो दो तरीके हैं, तो ये सबसे आसान तरीका है, और फिर बाद में उसको पूरी जो लिस्ट बनी उसको प्रिंट करवा दिया। इसी तरीके से मैंने जो न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं, जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम्स वाले हैं, इंटीजर्स हो गए, फ्लोट हो गए, तो सीधी सी बात है अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं है तो न्यूमेरिकल कॉलम्स हैं, तो उनको भी इसी तरीके से मैंने ऐड करवा दिया, ठीक है। अब और फिर बाद में प्रिंट करवा दिया उस चीज़ को, तो हमें पता चल गया कि कैटेगोरिकल कॉलम्स कितने हैं, न्यूमेरिकल कॉलम्स कितने हैं, ये कैटेगोरिकल हो गया, नेम हो गया, सेक्स हो गया, टिकट हो गई, कैबिन हो गए, इम्बार्क्ड हो गए, ठीक
कैटेगोरिकल डेटा है, ये न्यूमेरिकल डेटा है, ठीक है। अब हमें चेक करना है, चेक द टोटल नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज इन दी कैटेगोरिकल कॉलम। कैटेगोरिकल कॉलम जो हमारे पास है ये आया, इसके अंदर यूनिक वैल्यूज कितनी है, तो इसी को ऊपर वाली को यूज करके एन यूनिक लगा दिया हमने। एन यूनिक बता देगा कि नेम तो 891 नेम यूनिक है, सेक्स दो ही सेक्स यूनिक है कि मेल और फीमेल हो गए, टिकट इतने लोगों की यूनिक टिकट है 681 लोगों की, कैबिन 147 कैबिन यूनिक कैबिन है, मतलब इतने यूनिक कैबिन हो गए हमारे पास में। फिर एम्बार्क्ड वो 3 हैं, डेटा टाइप इसका हो गया इंट 64, इस पूरे का डेटा टाइप ये हो गया, ठीक है। सो एन यूनिक फंक्शन पांडास के साथ में, डेटा फ्रेम के साथ में, डेटा फ्रेम क्लास के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ में ये जो मेथड्स हैं वो एसोसिएटेड है। अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है भैया हो क्या रहा है, रीड सी एस पी में किया, इसके साथ में कौन कौन से मतलब वो हैं, मेरे को नहीं पता कौन कौन से इस क्लास के साथ में मेथड्स एसोसिएटेड हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है आजकल तो देखो टेक्नोलॉजी को यूज़ करो आप, और इसके अंदर समझो कि रीड रीड सी एस वी इन पाइथन इन पांडास, ठीक है। तो ये आ गई अपने पास में सारी इंफॉर्मेशन आ गई, कैसे वो काम करता है और किस तरीके से इसके अंदर इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं, इसके डीलिमिटर्स हैं, हेडर्स फाइल हो गई, नेम हो गया, इंडेक्स कॉलम हो गया, ठीक है, किस तरीके से उसको कॉल किया जाता है, तो एक एक चीज आप यहाँ पर सीख सकते हो, ठीक है। और इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी इसने बता दी कि भाई साहब यहाँ जाओ और इसके अंदर समझ लो कि ये देखो इतने सारे पैरामीटर्स हैं इसके, और फिर नीचे आओगे तो ये एक एक पैरामीटर्स क्या एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पर कि ये क्या क्या करते हैं। सो इस तरीके से सब काम करता है। आगे आप ये देख सकते हो कि इसके मेथड्स 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 एसोसिएटेड विद डेटा फ्रेम एंड पांडास, सो आप हेड देख लिए, टेल देख लिए, इन्फो देख लिए, डिस्क्राइब देख लिए, फिर इंडेक्सिंग वाले ये हो गए, डेटा मैनिपुलेशन वाले हो गए, ठीक है। सो ये सारे मेथड्स है, आप एक एक करके, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है एक एक चीज़ों को समझिए, देखिए यहाँ पर अप्लाई करके देखिए, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा सी एस वी टू एक्सेल कैसे कन्वर्ट करना है, सब चीज़ें यहाँ पर दी मिलेंगी, ठीक है। इसके डॉक्यूमेंटेशन में आप जाकर यहाँ पर देख सकते हो कि कौन कौन से, ये पांडास का जो डेटा फ्रेम है, क्लास पांडा डॉट डेटा फ्रेम, पांडास के अंदर जो डेटा फ्रेम है उसके साथ में कौन कौन से मेथड्स एसोसिएटेड हैं, तो एग्जांपल के साथ में यहाँ पर एट्रीब्यूट्स यहाँ पर है, मेथड्स यहाँ पर है, ठीक है। मेथड्स एट्रीब्यूट्स सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर आओगे आपको ये सब देखने को, ठीक है। अब अगला जो है आपका वो है रिमूवल ऑफ अनवांटेड ऑब्जर्वेशन। अब जो भी अनवांटेड ऑब्जर्वेशन है उनको रिमूव करना है, सो दिस इंक्लूड डिलीटिंग डुप्लीकेट रिडंडेंट और इररेलेवेंट वैल्यूज फ्रॉम योर डेटा सेट। डुप्लीकेट ऑब्जर्वेशन मोस्ट फ्रिक्वेंटली अराइज ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन एंड इररेलेवेंट ऑब्जर्वेशन आर दोज दैट डू नॉट एक्चुअली फिट स्पेसिफिक प्रॉब्लम दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, ठीक है। तो इसके अंदर रिडंडेंट ऑब्जर्वेशन के बारे में देखें, तो रिडंडेंट ऑब्जर्वेशन ऑल्टर द एफिशिएंसी टू अ ग्रेट एक्सटेंट एज द डेटा रिपीट्स एंड मे एड टूवर्ड्स द करेक्ट साइड और टूवर्ड्स द इनकरेक्ट साइड, देयर बाय प्रोड्यूसिंग अनफेथफुल रिजल्ट। पहली बात, क्योंकि रिडंडेंसी होगी अगर आपके ऑब्जर्वेशन के अंदर तो एफिशिएंसी के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। अगर एक ही डेटा रिपीट हो रहा है बार बार में तो आप क्या समझोगे उससे, मशीन क्या समझेगी। अगर आप एक ही एग्जांपल दे देकर चीज़ों को समझा रहे हो किसी को तो उसको नहीं समझ में आएगा। एक डेटा अप्रोप्रिएट, एक मतलब डाइवर्सिटी होनी चाहिए एक डेटा के अंदर, अगर डाइवर्सिटी नहीं है तो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। फिर है इररेलेवेंट ऑब्जर्वेशन आर
any type of data that is of no use to you, to us can be removed directly. ठीक है, सो नाउ वी हैव टू मेक अ डिसीजन अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ एनालिसिस विच फैक्टर इज इम्पॉर्टेंट फॉर आर डिस्कशन. एज वी नो अवर मशीन डोंट अंडरस्टैंड एनी थिंग टेक्स्ट डेटा, सो वी हैव टू ईदर ड्रॉप और कन्वर्ट द कैटेगोरिकल डेटा और कैटेगोरिकल कॉलम वैल्यू इन टू न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमेरिकल टाइप्स. सो हेयर हेयर वी आर ड्रॉपिंग द नेम कॉलम्स बिकॉज द नेम विल बी ऑलवेज यूनिक एंड इट हैजंट अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन टारगेटेड टारगेट वेरिएबल्स. फॉर अ टिकट लेट्स फर्स्ट प्रिंट द 50 यूनिक टिकट्स. सो वी विल प्रिंट 50 यूनिक प्रिंट बिकॉज देखो ये हम अब यहाँ पर एक समझना, डेटा फ्रेम के अंदर हमने कौन सा कॉलम चूज किया, टिकट वाला. टिकट वाले के अंदर हमने लगा दिया यूनिक. ठीक है, अगर मैं इस पूरे डेटा फ्रेम के ऊपर अगर यूनिक लगाता तो हूँ, ठीक है, जितने भी कैटेगोरिकल्स हैं, ये कैटेगोरिकल कॉलम था, अगर मैं उसके ऊपर यूनिक लगाता है अब तो एक एक करके मेरे को सारी चीज़ों के बारे में बताता है. लेकिन ये कह रहा है कि यूनिक निकालो सिर्फ इसका, वो एन यूनिक है, ये सिर्फ यूनिक है. और मैं कह रहा हूँ कि मेरे को सिर्फ 50 चाहिए, तो 0 से लेकर 50, 49 तक मिलेंगे बेसिकली मेरे को. तो ये अरे आ जाएगी जिसके अंदर आपको ये टिकट्स बता देगा कि ये 50 टिकट है. फ्रॉम द अबव टिकट्स वी कैन ऑब्जर्व दैट इट इज मेड अप ऑफ टू लाइक फर्स्ट वैल्यूज. दिस इज द फर्स्ट वैल्यू एंड दिस इज अ जॉइंट फ्रॉम A/5 एंड दिस 21171. दिस मे इन्फ्लुएंस अवर टारगेट वेरिएबल्स. इट विल द केस ऑफ फीचर इंजीनियरिंग वेयर वी ड्राइव न्यू फीचर्स फ्रॉम अ कॉलम और अ ग्रुप ऑफ कॉलम्स. इन द करेंट केस वी आर ड्रॉपिंग द नेम एंड द टिकट कॉलम. सो वट वी आर डूइंग, वी आर ड्रॉपिंग टू कॉलम्स हेयर. वट इज द कॉलम्स, वी आर मेकिंग न्यू डेटा फ्रेम. ओके, सो वी आर ड्रॉपिंग दैट लास्ट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप कॉलम. ओके, वी हैव ड्रॉप्ड एंड वी हैव पुट दैट पर्टिकुलर डेटा फ्रेम इन टू न्यू डेटा फ्रेम. दिस इज DF1 एंड वी वॉन्ट वॉट द शेप नाउ न्यू शेप. सो न्यू शेप कंसिस्ट 891 नेम्स मतलब रोज एंड 10 वेरिएबल्स. सो दिस इज द न्यू डेटा फ्रेम. नाउ थर्ड पार्ट, हैंडलिंग मिसिंग डेटा. सो वी डोंट रिक्वायर दीज टू कॉलम्स नेम एंड टिकट, दैट्स वाई वी हैव ड्रॉप्ड दीज टू कॉलम्स. सो डोंट वरी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, यू जस्ट गो एंड यू जस्ट ट्राई, देन यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स. So after that you can do suppose after that I can do one more thing, df1 dot head. Okay, so if I will print that, so I will get all the columns along with their variable values. Okay, third part, handling missing data. Missing data is a common issue in real world data sets. रियल वर्ल्ड डेटा सेट के अंदर जो मिसिंग डेटा है वो एक कॉमन इशू है कि हमें कई वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें मिलती नहीं है. कई कॉलम्स के अंदर जो रो वैल्यूज़ होते हैं वो एम्प्टी हो जाती है. एंड इट कैन अकर ड्यू टू वेरियस रीजन सच एज ह्यूमन एरर्स, सिस्टम फेल्योर्स और डेटा कलेक्शन इशूज. वेरियस टेक्निक्स कैन बी यूज टू हैंडल मिसिंग डेटा सच एज इम्प्यूटेशन, डिलीशन और सब्स्टिट्यूशन. सो वेरियस टेक्निक्स है वो हम यूज़ करते हैं डेटा जो मिसिंग डेटा होता है उसको हैंडल करने के लिए. तो पहला तो है इम्प्यूटेशन. तो देखिए अगर इसका बारे में नहीं पता है आपको तो आप जाइए यहाँ पर. इम्प्यूटेशन की मीनिंग देखो मेरे को भी नहीं पता, अगर आपको कोई भी मीनिंग नहीं समझ में आता तो आप यहाँ आइए और समझिए. इम्प्यूटेशन इम्प्यूटेशन एंड चार्ज और claim that someone has done some things undesirable. Okay, तो ये मेरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहा हिंदी में. आरोप, किसी तरीके का आरोप.
ठीक है, तो ये टेक्निक है, डिलीट कर सकते हैं हम, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आरोप लगा सकते हैं, तो ये मिसिंग डेटा को हैंडल करने की एक टेक्निक। लेट्स चेक द परसेंटेज मिसिंग वैल्यूज कॉलम, कॉलम्स वाइज, और ईच रो यूजिंग डी एफ डॉट इज नल। हम इज नल करके चेक करेंगे कि वेदर इट इज नल और नॉट। ओके, सो इट चेक्स वेदर द वैल्यूज आर नल और नॉट एंड गिव्स रिटर्न बुलियन वैल्यूज एंड डॉट सम विल सम द टोटल नंबर ऑफ नल वैल्यूज रोज एंड वी डिवाइड इट बाय द टोटल नंबर ऑफ रोज प्रेजेंट इन द डेटा सेट, देन वी मल्टीप्लाई टू गेट द परसेंटेज पर 100 वैल्यूज हाउ मच वैल्यूज आर नल। ओके, सो विल राउंड, राउंड इज लाइक वन राउंड ऑफ, ये एक फंक्शन है, इसके अंदर हम डी एफ जो है उसके अंदर हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये नल है। ठीक है, तो ये हमें एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा और उन सबको हम सम करेंगे एक एक करके, उस सब के बारे में देखेगा, एक एक कॉलम के बारे में कि क्या वो नल है या नहीं है, उनका सबका सम करेंगे, सबका सम करके उसको डिवाइड करेंगे हम किससे, डी एफ डॉट शेप जीरो, जीरो के साथ में जितना भी उसकी जीरो की वो है उससे हम डिवाइड कर देंगे कि भैया इतने नंबर ऑफ वो हैं, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और चूंकि हमें ये तो पहली वैल्यू है और हमें राउंड ऑफ करना है 2 तक, तो 2 डाल दिया हमने, सो पैसेंजर आईडी ये 0.0 मतलब इतने परसेंट तक नल नहीं है, इसके अंदर कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, इसके अंदर एज वाले के अंदर 19% नल है, कैबिन वाले वाले के अंदर 77% और बाग्ड के अंदर 0.22%। वी कैन नॉट जस्ट इग्नोर और रिमूव द मिसिंग ऑब्जर्वेशन, दे मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली एज दे आर बी एन इंडिकेशन ऑफ समथिंग इम्पोर्टेंट। वो कह रहा है कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते इन मिसिंग ऑब्जर्वेशन को, हमें इनको बहुत ही केयरफुली हैंडल करने की ज़रूरत है क्योंकि ये किसी बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को इंडिकेट कर सकते हैं। टू मोस्ट कॉमन वेज टू डील विद मिसिंग डेटा आर, पहला तो है ड्रॉपिंग ऑब्जर्वेशंस विद मिसिंग वैल्यूज, कि हम ऑब्जर्वेशंस को ड्रॉप कर दें सीधे का सीधा, जो भी मिसिंग वैल्यूज है उनके ऑब्जर्वेशंस को डिलीट कर दें या ड्रॉप कर दें। तो द फैक्ट दैट द वैल्यूज वॉज मिसिंग मे बी इंफॉर्मेटिव इन इट्सेल्फ, एक फैक्ट ये है कि वैल्यूज वहाँ पर मिसिंग है, हो सकता है कि वो अपने आप में इंफॉर्मेटिव हो। प्लस इन द रियल वर्ल्ड यू ऑफन नीड टू मेक प्रिडिक्शंस ऑन न्यू डेटा इवन इफ सम ऑफ द फीचर्स आर मिसिंग, अगर रियल वर्ल्ड की बात करें तो हम प्रिडिक्ट करते हैं नए डेटा के ऊपर, चाहे से वो जो फीचर्स है, कुछ फीचर्स है उसके वो मिसिंग हो। एज वी कैन सी फ्रॉम द अबव रिजल्ट दैट कैबिन हैज 77% नल वैल्यूज एंड एज हैज 19.87% एंड इम्बार्क्ड हैज 0.22% ऑफ नल वैल्यूज, सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू फिल 77% ऑफ नल वैल्यूज, सो वी विल ड्रॉप द कैबिन कॉलम, इम्बार्क्ड कॉलम हैज ओनली 0.22% ऑफ नल वैल्यूज, सो वी ड्रॉप द नल वैल्यू रो ऑफ इम्बार्क्ड कॉलम, सो इम्बार्क्ड कॉलम को हम ड्रॉप कर देंगे। तो हमने क्या किया, डी एफ डॉट, अब डी एफ टू बना लिया हमने, डी एफ वन के अंदर कैबिन वाला कॉलम को डिलीट कर दिया हमने, एक तो कैबिन वाले कॉलम को डिलीट कर दिया क्योंकि इसके अंदर 77% नल वैल्यूज थी। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इस वाले कॉलम को हमने ड्रॉप कर दिया, फिर हमने क्या किया, डी एफ टू डॉट ड्रॉप एन ए सबसेट इम्बार्क्ड, इसके अंदर एक्सेस 0 और इन प्लेस 2। ठीक है, तो वो कह रहा है कि उन सबको ड्रॉप करने की बजाय हम उसको क्या करते हैं, ट्रू कर दें, और उनकी वी ड्रॉप द नल वैल्यूज रोज ऑफ इम्बार्क्ड वैल्यूज, सो वो कह रहा है कि उसके अंदर जितनी भी रोज हैं इसको, तो उसके तो पूरे कॉलम को ही हमने ड्रॉप कर दिया, इसके अंदर इम्बार्क्ड वाले के अंदर जितनी वो पर्टिकुलर रोज हैं जो कि 0 है उनको आप ड्रॉप कर दो। तो कह रहा है कि सबसेट को, कॉलम वाले में से इसके सबसेट को डिलीट करना है, एक्सेस 0 से स्टार्ट करो और इन प्लेस उनको सपोर्ट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप
इसके डॉक्यूमेंटेशन में जाइए, इनकी एक एक चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी क्या करते हैं। फिर कह रहे हैं कि इसको फिर से रीशेप कर दो आप, तो शेप करोगे तो मतलब सॉरी 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 गाइस, जब आप इसको प्रिंट करवाओगे df2.shape को, इसको प्रिंट करवाओगे तो आपको एक नई वो मिलेगी कि कितने नंबर ऑफ एंट्रीज हैं और अब कितने नंबर ऑफ कॉलम्स आपके बचे हैं, ठीक है, तो उसकी शेप बता देगा। फिर आगे है इम्प्यूटिंग द मिसिंग वैल्यूज फ्रॉम द पास्ट ऑब्जर्वेशन। अगेन मिसिंगनेस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज इंफॉर्मेटिव इन इटसेल्फ। अगर हम बात करें मिसिंगनेस तो अपने आप में ही ऑलवेज इंफॉर्मेटिव रही है, एंड यू शुड टेल योर एल्गोरिदम इफ अ वैल्यू वॉज मिसिंग। और आपको आपके एल्गोरिदम को बताने की जरूरत है कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, अगर आपकी कोई वैल्यू मिसिंग है तो। इवन इफ यू बिल्ड अ मॉडल टू इम्प्यूट योर वैल्यूज, अगर आप कोई अपना मॉडल बनाना चाह रहे हो जिसमें आप अपनी वैल्यूज को इम्प्यूट करना चाहते हो, यू आर नॉट एडिंग एनी रियल इंफॉर्मेशन, और आप कोई नई इंफॉर्मेशन को ऐड नहीं कर रहे, यू आर जस्ट रिइंफोर्सिंग द पैटर्न ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय अदर फीचर्स। आप सिर्फ इन्फोर्स कर रहे, रिइंफोर्स कर रहे हो बेसिकली, जो वैल्यूज वहां पर हैं आप उनको भर रहे हो, किसके आधार पे, जो प्रीवियस डेटा आपने दिया है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, देखो ये एक मशीन लर्निंग मॉडल है, तो मान लीजिए कि कोई वैल्यूज एज वगैरह है, ठीक है, यहाँ पर 15, 20, 25, फिर डैश 8, 24, ये सब इस तरीके से नाम है, जैसे आरिज हो गया, चेतन हो गया, इन सब की एज है x, y, z, ऐसे करके कोई नाम है, तो यहाँ ये वाई वाला खाली रह गया, तो इम्प्यूट करेगा इसकी वैल्यू, ठीक है, इंस्टेड ऑफ डिलीट दैट वो इसकी वैल्यू को इम्प्यूट करेगा। कैसे करेगा, इन सब की वैल्यू के आधार पे, इनकी वैल्यू के आधार पे। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि सॉरी इसको 25, इसमें आपने देखा कि भैया अधिकतर जो एज है वो 25 से 23 से लेकर 25 के बीच में है, तो इसकी भी जो एज रही होगी वो इसी के बीच में रही होगी, तो मे बी 24 डाल देते हैं। इस तरीके से डेटा को इम्प्यूट किया जा सकता है, ठीक है। वो कह रहा है कि यू आर जस्ट रिइंफोर्सिंग द पैटर्न्स ऑलरेडी प्रोवाइडेड बाय द अदर फीचर्स, जो भी अदर फीचर्स के द्वारा पैटर्न्स प्रोवाइड किए गए हैं आप उसी को फॉलो करके उसको रिइंफोर्स करते हो, ठीक है। सो फ्रॉम द अबव डिस्क्राइब टेबल वी कैन सी दैट देयर आर वेरी लेस डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड द मीडियन, दैट इज 29.6 वॉज द मीन एंड मीडियन। हेयर वी कैन डू एनी अदर फॉर्मल मीन इम्प्यूटेशन और मीडियन इम्प्यूटेशन। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर भी मीन ही लगाया था, ठीक है, मैंने क्या किया, इसका मीन लगाकर इसके अंदर डाल दिया, तो वही चीज आप कर दो, जहां पर वो मिसिंग वैल्यू है उसका मीन निकाल कर उसके अंदर इम्यूट कर दो। सो मीन इम्यूटेशन इम्प्यूटेशन इज सुटेबल व्हेन द डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हैज नो एक्सट्रीम आउटलायर्स। जब आपका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब जो मीन इम्प्यूटेशन है वो बेस्ट एग्जाम्पल है उसका। मीडियन इम्प्यूटेशन इज प्रेफरेबल व्हेन द डेटा कंसिस्ट आउटलायर्स और इज स्क्यूड। अगर आपके अंदर इस डेटा के अंदर आउटलायर्स हैं या फिर स्क्यूड डेटा है तो उस टाइम पे मीडियन इम्प्यूटेशन जरूरत है। तो आप ये समझ लीजिए मीन कब है, मीन की जरूरत है, मीन इम्प्यूटेशन इम्प्यूटेशन या कब, जब नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मीडियन कब हो गया, इम्प्यूटेशन देन आपका जो डेटा है इट कंसिस्ट लॉट ऑफ आउटलायर्स, सो डेटा कंटेन्स आउटलायर्स और स्क्यूड। अगर इसके अंदर आउटलायर है और स्क्यूड है, स्क्यूड है, ठीक है, सो ये तो सो हमने क्या किया, हमने किया कि भैया df3 एक और बनाया हमने डेटा फ्रेम, हमने क्या किया df2 के अंदर फिल करो नंबर ऑफ रोज को, उन रोज को एज के अंदर, क्योंकि एज वाला ही है ना फैक्टर, तो उसके अंदर मीन वैल्यूज डाल दो, जितनी भी मीन वैल्यूज है उनको डाल दो इसके अंदर,
ठीक है, जितनी भी खाली है DF2 के अंदर जो एज वाला है उसके अंदर मीन डाल दो, ठीक है, और DF3 के अंदर इज नल है उनको सम करो आप। तो अब हमने देखा कि इसके अंदर एक भी जीरो नहीं है, सब या तो म्यूटेबल है या फिर सब हमने सेटल कर दिया हो किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। सो ये हो गया आपका जो फीचर है कि किस तरीके से हम हैंडल करते हैं मिसिंग डेटा, ठीक है। अब अगला जो है वो है हैंडलिंग आउटलायर्स। सो आउटलायर हैंडलर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज आउटलायर्स। आउटलायर्स आर एक्सट्रीम वैल्यूज दैट डेविएट सिग्निफिकेंटली फ्रॉम द मेजोरिटी ऑफ द डेटा। देखो मान लीजिए कि आपका जो मेजोरिटी ऑफ डेटा है वो एक रेंज में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर रेंज में एग्जिस्ट करता है। अगर कोई डेटा इस रेंज के बाहर है, कोई भी पॉइंट इस रेंज के बाहर है, या फिर या तो इधर हो, इससे कम हो, ये मिनिमम पॉइंट है, इस मिनिमम पॉइंट से कम हो, या फिर इस मैक्सिमम पॉइंट से ज़्यादा हो, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट आपका आउटलायर कहलाता है, ठीक है। दे कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट द एनालिसिस एंड मॉडल परफॉर्मेंस। तो ये सब है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट डालते हैं इसके ऊपर। अगर हम एनालिसिस की बात करें या मॉडल परफॉर्मेंस की बात करें तो उन सब के ऊपर ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। टेक्निक्स सच एज क्लस्टरिंग, इंटरपोलेशन और ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी यूज टू हैंडल आउटलायर्स। सो आउटलायर्स को हैंडल करने के लिए तीन टेक्निक्स हैं, क्लस्टरिंग हो गया, इंटरपोलेशन हो गया, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो ये तीन टेक्निक की मदद से हम आउटलायर को हैंडल कर सकते हैं। टू चेक द आउटलायर्स वी जनरली यूज अ बॉक्स प्लॉट। अ बॉक्स प्लॉट ऑल्सो रेफर्ड टू एज अ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा सेट्स डिस्ट्रीब्यूशन। इट शोज अ वेरिएबल्स मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड पोटेंशियल आउटलायर्स, ठीक है। द लाइन इन साइड द बॉक्स डिनोट्स द मीडियन, वाइल द बॉक्स इटसेल्फ डिनोट्स द इंटर क्वार्टाइल रेंज। ओके, द विस्कर्स एक्सटेंड टू द मोस्ट एक्सट्रीम नॉन आउटलायर वैल्यूज विद इन 1.5 टाइम्स द IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। सो उसको निकालने के लिए सीधी सी बात है, इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालिए जो कि 75% मतलब अगर 75 परसेंटाइल माइनस 25 परसेंटाइल जब आप करोगे तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगी। उसको अगर 1.5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे उसके साथ में तो आपका आउटलायर दे देगा। इंडिविजुअल पॉइंट्स बियॉन्ड द विस्कर्स आर कंसिडर पोटेंशियल आउटलायर्स। द बॉक्स प्लॉट डिफर्स कैन ईजी टू अंडरस्टैंड ओवरव्यू ऑफ द रेंज ऑफ द डेटा एंड मेक्स इट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई आउटलायर्स और स्क्यूनेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पर एज के साथ में करके देखते हैं अपन, ठीक है। अगेन मैटप्लॉटलिब से, क्योंकि ग्राफ बना रहे हैं तो मैटप्लॉटलिब, तो बॉक्स प्लॉट करेंगे जिसके अंदर एज वाला कॉलम देंगे और वर्ड डाल देंगे फॉल्स। फिर वाई जो है वो वेरिएबल हो गया, एक्स जो है वो एज हो गया, और आपका टाइटल है वो बॉक्स प्लॉट हो गया, और उसको शो करने के लिए बोलते हैं। सो बॉक्स प्लॉट देख लेते हैं मैटप्लॉटलिब में कैसे काम करता है। बॉक्स प्लॉट इन मैटप्लॉटलिब, सो इसके अंदर ये पैरामीटर्स होते हैं। कौन कौन से पैरामीटर है, एक्स हो गया, दिस पैरामीटर स्पेसिफाई द डेटा दैट विल बी यूज्ड टू क्रिएट द बॉक्स प्लॉट। इट कैन बी लिस्ट, नमपाई अरे और पांडास सीरीज। तो अपने पास में तो पांडास की सीरीज है। नॉच, दिस पैरामीटर डिटरमाइंस वेदर टू ड्रॉ अ नॉच अराउंड द मीडियन। देखिए ये कुछ चीज़ें हैं, वर्ट देख लेते हैं क्या है। दिस पैरामीटर डिटरमाइंस वेदर द बॉक्सेस आर ड्रॉन वर्टिकली। तो हमें ये वर्टिकली ड्रॉन करना है, अगर उसके लिए ट्रू डालेंगे, हॉरिजॉन्टली करना है तो फॉल्स डाल देंगे। तो यहाँ पर अपन हॉरिजॉन्टली कर रहे हैं इसलिए फॉल्स डाल दिया मैंने, ठीक है। वाई एक्सेस तो वेरिएबल को डिनोट कर रहा है, एक्स एक्सेस एज को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पर बॉक्स जो है वो बॉक्स हो गया।
ठीक है, तो एक्स एक्सिस ये हमारा इस पे है, एज को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो एज है वो यहाँ से स्टार्ट है करीबन 2 के आसपास से और 55 तक जा रही है। इसके बाहर के सारे आउटलायर्स हैं। एज वी कैन सी फ्रॉम द अबव बॉक्स एंड रिक्लर प्लॉट, आवर एज डेटा सेट हैज आउटलायर वैल्यूज, द वैल्यूज लेस देन 5 और मोर देन 55 आर आउटलायर्स। ओके, सो ये आउटलायर्स है हमारे पास में। यहाँ पर हम मीन निकालेंगे, इसका एज का मीन निकाल लिया, यहीं स्टैंडर्ड भी स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। इसके ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन का फंक्शन लगाया और 2 वेरिएबल बनाकर इसके अंदर डाल दिया। फिर बाद में द कैलकुलेट द लोअर एंड अपर बाउंड्स। लोअर एंड अपर बाउंड्स पहले तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। लोअर बाउंड्स कैलकुलेट किया, मीन माइनस स्टैंडर्ड मल्टीप्लाइड बाई 2, और अपर बाउंड हो गया मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी है उसको मल्टीप्लाई किया 2 से, ठीक है। तो प्रिंट किया लोअर बाउंड अपर बाउंड प्रिंट कर दिया, और हमने आउटलायर्स को ड्रॉप कर दिया। कैसे ड्रॉप किया, अब देखिए ड्रॉप करने की टेक्निक। D4 के अंदर हमने D3 से डेटा लिया, एज जितनी भी एज है अगर वो ग्रेटर है लोअर बाउंड से एंड साथ में जो छोटी है, सॉरी अगर जो बड़ी है इससे और जो छोटी है इससे, मतलब एक सेकेंड थोड़ा सा गलत बोल दे रहा हूँ, लोअर बाउंड से तो बड़ी होनी चाहिए और अपर बाउंड से छोटी होनी चाहिए, वो सारी हम इंक्लूड करेंगे DF4 के अंदर। DF4 के अंदर वो इंक्लूड किया, डेटा हमारा फिर से रिन्यू किया हमने, और सिमिलरली वी कैन रिमूव द आउटलायर्स ऑफ द रिमेनिंग कॉलम। तो हमने रिमेनिंग कॉलम्स के अंदर से भी वो रिमूव कर दिया, ठीक है। सो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इन्वॉल्व कन्वर्टिंग द डेटा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म टू अनदर, मेक इट मोर सुटेबल फॉर एनालिसिस। टेक्निक सच एज नॉर्मलाइजेशन, स्केलिंग और इनकोडिंग कैन बी यूज टू ट्रांसफॉर्म द डेटा। सो अगला जो है वो अपने पास में डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर जो होता है हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर, तो जिससे कि हम उसको आसानी से एनालाइज कर सकें। तो इसके लिए जो टेक्निक्स है वो नॉर्मलाइजेशन हो गई, स्केलिंग हो गई, या फिर इनकोडिंग बोल सकते हैं। इनकोडिंग तो कैटेगोरिकल के लिए हो गए, इनकोड कोड कर रहे हैं हम बेसिकली, नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइज करने के लिए, और स्केलिंग एक पर्टिकुलर स्केल के अंदर परसेंटेज के अंदर भी चेंज कर सकते हैं, फिर उसको किसी पर्टिकुलर वैल्यूज के अंदर भी डाल सकते हैं, ठीक है। सो डेटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, सो डेटा वैलिडेशन और वेरिफिकेशन क्या है, डेटा वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन इन्वॉल्व इंश्योरिंग दैट डेटा इज एक्यूरेट। क्या कर रहा है कि जो डेटा है हमारा एक्यूरेट है एंड कंसिस्टेंट बाय कंपेयरिंग इट विद एक्सटर्नल सोर्सेज और एक्सपर्ट नॉलेज। अगर हम उसको एक्सटर्नल सोर्स के साथ में कंपेयर कर रहे हैं या फिर एक्सपर्ट नॉलेज के साथ में कंपेयर कर रहे हैं तो क्या है, एक तरीके से कंसिस्टेंट है। सो फॉर द मशीन लर्निंग प्रिडिक्शन फर्स्ट वी सेपरेट इंडिपेंडेंट एंड टारगेट फीचर्स। तो मशीन लर्निंग के लिए, प्रिडिक्शन के लिए सबसे पहले तो हमें सेपरेट करना पड़ेगा जितने भी इंडिपेंडेंट और टारगेट फीचर्स है उन। हेयर वी विल कंसिडर ओनली सेक्स, एज, सिप एसपी, पार्क, फेयर, इम्बार्क्ड ओनली एज द इंडिपेंडेंट फीचर्स एंड सर्वाइव्ड एज टारगेट टारगेट वेरिएबल्स, बिकॉज पैसेंजर आईडी विल नॉट अफेक्ट द सर्वाइवल रेट। पैसेंजर की जो आईडी है वो सर्वाइवल रेट से अफेक्ट नहीं हो रही है, ठीक है, इसलिए ये सब है। सो एक्स एक्सेस के अंदर हमने ये दे दिया कि ये सारे हमारे क्या हैं, इंडिपेंडेंट फीचर्स हैं, ठीक है। वहीं जो आपका सर्वाइव्ड है वो आपका ओनली एज द इंडिपेंडेंट फीचर एंड सर्वाइव्ड एज अ टारगेटेड वैल्यू, ये हमारा सर्वाइव्ड जो हो गया वो टारगेटेड वैल्यू, ठीक है। ये अपनों को मतलब देखना है कि कौन सा तो इंडिपेंडेंट है और कौन सा टारगेटेड है, तो हमने देख लिया कि ये टारगेटेड है। डेटा फॉर्मेटिंग, अब इन सब के अंदर एक अगर आप देखोगे तो ये सब जो डेटा फ्रेम्स हमने जो लिया है इसको हमने एक्स एक्सेस के अंदर डाल दिया, एक्स के अंदर डाल दिया, इस पर्टिकुलर कॉलम को हमने वाई के अंदर डाल दिया। तो ये जो कॉलम है ये कम्प्लीटली एक डेटा को कंसिस्ट किया हुआ है कि जिसके अंदर ये सब वो हैं, पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं।
अब डेटा फॉर्मेटिंग के अंदर क्या कर रहे हैं, वो इन्वॉल्व करता है कन्वर्टिंग द डेटा इनटू अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, डेटा को स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, और स्ट्रक्चर दैट कैन बी इजीली प्रोसेस्ड बाय द एल्गोरिथम्स और मॉडल्स यूज्ड फॉर एनालिसिस, कि उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में या फिर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में डाल रहे हैं, जिससे कि वो इजीली प्रोसेस्ड हो किसी भी एल्गोरिदम्स या फिर मॉडल्स के द्वारा जो कि हम एनालिसिस के लिए यूज करते हैं। हेयर वी विल डिस्कस कॉमनली यूज्ड डेटा फॉर्मेटिंग टेक्निक्स, दैट इज स्केलिंग एंड नॉर्मलाइजेशन। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जो कॉमनली यूज टेक्निक है वो है स्केलिंग और नॉर्मलाइजिंग। तो स्केलिंग एंड नॉर्मलाइजिंग फिर से आगे मैं बता देता हूँ, एक डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक है जिसकी मदद से हम डेटा को फॉर्मेट करते हैं, प्रॉपरली फॉर्मेट करते हैं। सो क्या है, स्केलिंग इन्वॉल्व ट्रांसफॉर्मिंग द वैल्यूज ऑफ फीचर्स टू ए स्पेसिफिक रेंज, मतलब कि एक स्पेसिफिक रेंज के अंतर्गत हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। मान लीजिए कि हमारा कोई भी वैल्यू है, 1000 से लेकर 100 तक कोई वैल्यू है, ठीक है, अगर हमें दुनिया की कोई भी वैल्यू को 1 से लेकर 100 तक में फिट करना है, तो हम क्या करते हैं, उसका परसेंटेज निकाल लेते हैं कि उसका परसेंटेज क्या है। अगर 0 से लेकर 1 तक करते हैं तो वो एक तरीके से प्रोबेबिलिटी वाला रेशियो आ जाता है। तो स्केलिंग बेसिकली वो एक स्केलिंग है, ठीक है। सो इन्वॉल्व करता है कि ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम वैल्यूज को, फीचर्स को, टू अ स्पेसिफिक रेंज, एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर हम उनको ट्रांसफर कर रहे हैं। इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये मेंटेन करता है जो शेप ऑफ ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन है उसको, वाइल चेंजिंग द स्केल। चेंज मतलब स्केल को चेंज नहीं कर रहा है, उसकी वजह वो क्या कर रहा है, उसकी ओरिजिनल शेप है, ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन की जो शेप है उसको मेंटेन किए हुए है, उसको उसकी स्केल को चेंज नहीं कर रहा है। स्केलिंग इज पर्टिकुलरली यूजफुल व्हेन फीचर्स हैव डिफरेंट स्केल्स एंड सर्टेन एल्गोरिदम्स आर सेंसिटिव टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फीचर्स। स्केलिंग एक पर्टिकुलरली यूजफुल तब है जब फीचर्स की एक डिफरेंट स्केल, फीचर्स के पास में एक डिफरेंट स्केल्स है, एंड सर्टन एल्गोरिदम्स आर सेंसिटिव टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फीचर्स, और जो ये सर्टन एल्गोरिदम्स हैं वो सेंसिटिव है उनके जो मैग्नीट्यूड, फीचर्स के जो मैग्नीट्यूड है उनके लिए। कॉमन स्केलिंग मेथड इंक्लूड्स मिन मैक्स स्केलिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड जेड स्कोर स्केलिंग। सो इसके अंदर क्या होता है, मिन मैक्स स्केलिंग री स्केल्स द वैल्यूज टू ए स्पेसिफाइड रेंज, टिपिकली बिटवीन 0 एंड 1, 0 एंड 1 के बिटवीन वो उसको कर देगा। इट प्रिजर्व्स द ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन, ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन को वैसे के वैसे ही प्रिजर्व करता है, वो इंश्योर करता है कि मिनिमम वैल्यू मैप टू 0, जो मिनिमम वैल्यू है वो तो 0 के अंदर मैप हो जाए, और मैक्सिमम वैल्यूज मैप टू 1। देखिए मैपिंग का मतलब क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम इस पूरे में समझ गए कि मैक्सिमम क्या है, सॉरी इस पूरे में हम समझ लें कि मैक्सिमम है 10, ठीक है। अब हम पूरे डेटा को अगर 10 से डिवाइड कर दें, पूरे को डिवाइड कर दें 10 से, तो ये 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 अप टू 1 तक, तो मिनिमम क्या हो गया 0.1 और मैक्सिमम हो गया 1, ठीक है। इसी तरीके से काम करता है, आई होप आप समझे होंगे इस चीज को। तो जैसे 10/10 हो गया तो हो गया 1, जैसे डिवाइड कर दिया हमने सभी, ठीक है। सो ये हमने एसक्यूएल प्री प्रोसेसिंग को से इंपोर्ट किया मिन मैक्स स्केलर को। मिन मैक्स एक स्केलर है स्केलिंग के लिए, तो स्केल कर दिया, क्या किया मिन मैक्स स्केलर, उसके अंदर फीचर रेंज 0 से 1 तक हमने दी, तो वो स्केलर बना दिया हमने, इनिशियलाइज कर दिया मिन मैक्स स्केलर को। फिर अब देखिए हमें एक कॉलम को, सब जितने भी कॉलम्स हैं उनको कन्वर्ट करना, मान लीजिए तो जितने भी कॉलम हैं कॉलम के अंदर एक्स डॉट कॉलम्स से, सो इफ एक्स कॉलम डॉट डेटा टाइप जो है अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको इसके अंदर ले आइए, जितने भी न्यूमेरिकल डेटा है। अब X1 हो गया आपका X, जो आपका ओरिजिनल डेटा है वो X1 हो गया। अब उसके अंदर आपने क्या किया, नम कॉलम के अंदर जितने भी वो हैं कॉलम्स है उसके अंदर आपने स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया X1 जो जो भी आपकी ये कॉलम है उसके आधार पे,
और उसके आधार पे आपने स्केलिंग कर दी उसकी, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, और फिर जब आपने मांगा उसको, तो यहाँ पर देखिए जितने भी आपके डेटा हैं, आपका न्यूमेरिकल डेटा है, जैसे वो पी क्लास हो गया, एज हो गया, पार्च हो गया, ये सब फेयर हो गया, ये सब आपने उसको स्केलिंग कर दिया मिन मैक्स के आधार पर। सो स्टैंडर्डाइजेशन जो जेड स्कोर स्केलिंग है, स्टैंडर्डाइजेशन ट्रांसफॉर्म द वैल्यूज टू हैव मीन ऑफ 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 1। ठीक है, इसकी मदद से आप मीन तो उसका 0 देख लेंगे और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके अंदर वो 1 आ जाएगा स्टैंडर्डाइजेशन ट्रांसफॉर्म के अंदर। इट सेंटर्स द डेटा अराउंड द मीन, ये क्या करता है कि डेटा को मीन के अराउंड ही सेंटर रखता है, एंड स्केल्स इट बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड डेविएशन, और उसको स्केल करता है उसके स्टैंडर्ड डेविएशन के आधार पे। स्टैंडर्डाइजेशन मेक्स द डेटा मोर सुटेबल फॉर एल्गोरिथम्स दैट अज्यूम अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्डाइजेशन क्या करता है कि एक मोर सुटेबल मोर सुटेबल है ये डेटा, डेटा को मोर सुटेबल बनाता है एल्गोरिथम के लिए, दैट जो कि अज्यूम करते हैं गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को, और रिक्वायर्ड फीचर टू हैव जीरो मीन एंड यूनिट वेरियंस, या फिर कोई भी रिक्वायर्ड फीचर जिसके अंदर 0 तो मीन हो या और यूनिट वेरियंस। तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू हो गया डेटा मीन, उसका मीन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। सम डेटा क्लीजिंग टूल्स जो आपके पास में ओपन रिफाइन हो गया, टेरीफेक्टा, फ्रैंकलर हो गया, टिपको, क्लैरिटी हो गया, क्लाउडिंगो हो गया, आईबीएम इन्फोस्फेयर क्वालिटी स्टेज हो गया, तो ये सब इसके पार्ट हो गए। तो हमारे पास में ये स्केलिंग हो गया, और दूसरी जो टेक्निक थी वो थी नॉर्मलाइजेशन की। सो नॉर्मलाइजेशन, स्केलिंग, ये सब बेसिकली मिलते जुलते ही हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नॉर्मलाइजेशन टेक्निक की बात करें अपन। ठीक है, सो नॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स आर कॉमनली यूज्ड इन डेटा प्रोसेसिंग। तो उसके अंदर ही मिन मैक्स नॉर्मलाइजेशन आता है, जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन आ गया जो कि स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, फिर डेसिमल स्केलिंग हो गया जिसके अंदर डेसिमल स्केलिंग, फिर लॉग ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो फीचर स्केलिंग्स हो गए, इसके ही पार्ट है। ठीक है, तो इसी तरीके से सब इसी के पार्ट है भाई। एक तरीके से नॉर्मलाइजेशन टेक्निक ही है, मिन मैक्स हो गई, इनकोडिंग हो गई। तो इनकोडिंग तो बेसिकली उसके लिए कैटेगोरिकल डेटा के लिए काम में आती है। ठीक है, जैसे कि एज को आप, सेक्स को आप 0 और 1 कर सकते हो, दो कैटेगरी होगी ना 0 और 1, तो उस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट इज अबाउट एडवांटेज ऑफ डेटा क्लीनिंग इन मशीन लर्निंग, ये अपन अगली वीडियो में देखेंगे।